Assalamu alaikum. Now we solve our next question from exercise 1B. This is for class 3. Question number 6. Write the following number in the expanded form. यहाँ पे हमने numbers को expand करना है with the symbol of plus. ठीक है, plus का symbol use करके हमने numbers को expand कर देना है. पिछली class में भी हम expanded form पढ़ चुके हैं. तो part B देखते हैं हम. 2608 हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है. ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू हम लिखेंगे. ठीक है, टू, टू के बाद कितनी ज़ीरोज़ हैं, थ्री, सॉरी कितनी वैल्यूज़ हैं, थ्री, तो थ्री की वैल्यूज़ की जगह यहाँ पे थ्री ज़ीरो ऐड कर देंगे. ठीक है, उसके बाद प्लस ये वैल्यू हमने लिख दी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे सिक्स, सिक्स लिखा, उसके बाद कितनी ज़ीरोज़ हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, टू, टू ज़ीरो ऐड कर दिए. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू ज़ीरो, इसके बाद एक वैल्यू, तो एक ज़ीरो, और लास्ट जो है वो ऐसे लिख देंगे. ठीक है, दैट इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म. पार्ट सी, फाइव लिखा, फाइव के बाद थ्री वैल्यूज है, थ्री ज़ीरो, थ्री विद प्लस, एक्सपेंड हम जिससे कर रहे हैं वो प्लस के सिंबल से. ठीक है, यहाँ पर थ्री लिखा, थ्री के बाद जितनी वैल्यूज है उतनी ज़ीरो, नाइन, नाइन के बाद वन वैल्यू, तो वन ज़ीरो लास्ट वाली एज इट इज़ आ जाएगी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है, डी भी सेम इसी तरह से आपने करना है. सेवन लिखा, सेवन के बाद जितनी वैल्यूज है वन, टू, थ्री, थ्री, ज़ीरो ऐड कर दी. फिर नेक्स्ट वैल्यू लिखी ज़ीरो, ज़ीरो के बाद मज़ीद टू वैल्यूज़ हैं, तो टू ज़ीरो ऐड कर दिए. फिर नेक्स्ट वैल्यू है ज़ीरो, ज़ीरो के बाद वन वैल्यू है, तो वन ज़ीरो ऐड कर दिया. लास्ट इज एट. पार्टी, टू लिखा, टू के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी ज़ीरो, सेम लाइक दिस, फाइव, टू ज़ीरो, सिक्स, वन ज़ीरो एंड ज़ीरो. दैट इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म. दैट इज़ सो ईजी एंड सिंपल क्वेश्चन. थैंक यू.